बच्चों तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे द वीक कैरोट. बिफोर दैट वी विल डू सम रीडिंग. ग्रैंडपा लव्स ही ग्रो लव्स टू ग्रो कैरोट्स. वंस ही प्लांटेड सम कैरोट सीड्स. सम ऑफ देम ग्रू इनटू वेरी एंड वेरी बिग कैरोट. इट ग्रू एज बिग एज ग्रैंडपा. तो ग्रैंडपा का मतलब क्या है, जो दादाजी होते हैं उनको ग्रैंडपा बोला जाता है. तो एक ग्रैंडपा थे जिनको कि कैरोट्स लगाना बहुत अच्छा लगता था. तो एक बार क्या हुआ, ही प्लांटेड सम कैरोट सीड्स, कुछ कैरोट का प्लांट्स उन्होंने लगाया. लेकिन उनमें सारे प्लांट्स छोटे 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 से थे, लेकिन एक प्लांट जो था वो बहुत बड़ा था. इतना बड़ा था कि वो दादाजी के इतना बड़ा था. ठीक है, टाइम टू पुल इट आउट, समय आ गया कि उसको कैसे हम निकाल कर उसको कभी खाएं मज़े से. ही पुल्ड ऑन द कैरोट टॉप एंड पुल्ड वेरी हार्ड. वो उसको खींचे 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 खींचे, लेकिन वो मतलब निकला ही नहीं. बट द कैरोट वुड नॉट कम आउट. ग्रैंडमा केम टू हेल्प. उसके बाद जो ग्रैंडमा थे वो हेल्प के लिए आ गए. सी पुल्ड ऑन ग्रैंडपा, वो पीछे से ऐसे पकड़ लिए उनको और दोनों मिलकर खींचे, फिर भी नहीं निकला. देन ए गर्ल केम, एक गर्ल आ गई, वो भी ग्रैंड मामा को ऐसे पीछे से पकड़ ली. दोनों ने तीनों ने फिर मिलके खींचा उसको, फिर भी नहीं निकला वो. ए डॉग केम टू हेल्प. नेक्स्ट उसके बाद कौन आ गया, एक डॉग आ गया. द डॉग पुल्ड ऑन द गर्ल, वो जाके गर्ल को पकड़ लिया. और गर्ल ग्रैंड मा और ग्रैंड मा ग्रैंडपा सब एक दूसरे को पकड़ के जोर लगा के हईसा करने लगे. ठीक है, देन ये सब एक कैट देख रहा था और म्याऊ म्याऊ करके वो भी आ गया. बोला कि मैं भी खींचूंगा. तो उसके बाद डॉग, कैट, गर्ल, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा सब ने मिलकर उसको खींचना शुरू कर दिया. फाइनली द कैरोट केम आउट. उसके बाद जो कैरोट था वो बाहर निकल आया. ठीक है, तो ये सब में हम लोग चैप्टर में, ये हम लोग जो क्लास में करते हैं तो इसको ड्रामाटिक स्टाइल में पढ़ते हैं, इसको हम ड्रामा कर करके पढ़ते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग का तो छुट्टी हो रखा है एंड वी आर जस्ट डूइंग इट ऑनलाइंस. ठीक है ना, तो आप लोग इसको जितना भी हो सके सीखने की कोशिश करो. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. अच्छा, हाउ बिग वॉज द कैरोट. कैरोट कितना बड़ा था. द कैरोट वॉज एज बिग एज ग्रैंडपा. वो ग्रैंडपा के इतना बड़ा था. व्हाट डिड ग्रैंडपा ट्राई टू डू. ग्रैंडपा क्या करना चाहते थे. ग्रैंडपा ट्राइड, यहाँ पे डिड है तो इसलिए ट्राइड. ग्रैंडपा ट्राइड टू पुल आउट द कैरोट. वो उसको पुल करना चाहते थे. हु प्लांटेड द कैरोट सीड्स. कौन कैरोट सीड्स लगा रहा था. ग्रैंडपा प्लांटेड द कैरोट सीड्स. ग्रैंडपा लगा रहे थे. हाउ वॉज ग्रैंडपा ट्राई टू पुल आउट द कैरोट. वो कैरोट को कैसे निकाले सब ने मिलकर. ग्रैंडपा ट्राई टू पुल आउट द कैरोट बाय द हेल्प ऑफ ग्रैंडमा, कैट, गर्ल एंड ए डॉग. पांचों ने मिलकर उसको निकाला. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हु ऑल हेल्प्ड ग्रैंडपा. कौन कौन ग्रैंडपा को हेल्प किया. कैट, डॉग, गर्ल एंड ग्रैंडमा ने ग्रैंडपा को हेल्प किया. देन ऑपोजिट वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड बिग का स्मॉल, कम का गो, हार्ड का सॉफ्ट, इन का आउट, पुल का पुश, टॉल का शॉर्ट, टॉप बॉटम, सम मैनी. तो बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, हार्ड मतलब एकदम कड़क, सॉफ्ट मतलब मुलायम, इन मतलब अंदर, आउट बाहर, पुल धक्का देना, पुश खींचना. ओके, एंड टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटू, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, सम मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत सारे, है कि नहीं. अच्छा, नाउ कम टू द सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स. दिस का सिंगुलर, दिस और दैट जो है उसका सिंगुलर है. दैट और दोज जो है वो प्लूरल है. दिस का होगा दीज, दैट का होगा दोज. तो यहाँ पे हमें देखो करना है, डैश इज ए गोट. यहाँ पे क्या लगा है, इज ए लगा है, मतलब एक गोट है, मतलब सिंगुलर है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ए गोट. यहाँ पे क्या है आर. आप लोग को मैं
केजी टू में पढ़ाई थी, दिस इज ए पेन, दीज आर पेन्स, दैट इज ए कप, दीज आर कप्स। ठीक उसी तरह यहाँ पे आर है तो यहाँ पे दीज होगा, दीज आर ग्रैप्स। डेस इज ए शीप, ये एक शीप है तो इज है तो दैट इज ए शीप। ठीक है, डेस आर मैंगोज, यहाँ पे आर लगा है तो ये हो जाएगा दोज, दोज आर मैंगोज। ओके नाउ यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट मतलब क्या है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो समय को बोला जाता है प्रेजेंट। जब जो बीत चुका है, जो कल बीत चुका है उसको बोलते हैं पास्ट। तो प्रेजेंट है इज, इसका पास्ट है वाज, आर वेर, हैज हैड, हैव हैड, विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, ये है प्रेजेंट जो अभी समय है, और ये है पास्ट फॉर्म। तो इसमें क्या करना है, हर एक प्रेजेंट टेंस में जो इस्तेमाल किया गया है वर्ब, उसमें हम लोग को ब्रैकेट वाला सब लगाना है। इट इज़ ए बिग कैरोट, इट वाज ए बिग कैरोट, ग्रैंडपा ग्रोज कैरोट, ग्रैंडपा ग्रीव कैरोट्स, ए गर्ल कम्स टू द हेल्प, ए गर्ल केम टू हिज हेल्प। ओके तो उस ब्रैकेट वाले सब को हमें वहाँ पर मेंशन करना है। ओके थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और एक बात मैं भूल गई, देखो वर्ब मतलब क्या है, डूइंग वर्ड, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। तो हर एक वर्ब का चार चार फॉर्म होता है, मैंने तुम्हें ये भी बताया था, लव लव्ड, लव्ड लविंग, ग्रो ग्रू, ग्रोन ग्रोइंग, प्लांट प्लांटेड, प्लांटेड प्लांटिंग, कम केम, कम कमिंग, पुल पुल पुल्ड, पुलिंग। ओके पढ़ना लिखना और याद रखना खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। एंड Before the exam, all the students should check out your copies. Okay? Thank you. Bye-bye.